LIC मनी बैक प्लान के नाम से ही जाहिर होता है कि ये पॉलिसी कस्टमर्स को मैच्योरिटी बेनिफिट्स देने के साथ साथ उन्हें पॉलिसी के दौरान मनी बैक भी ऑफर करती है। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी पर। 13 साल के बच्चे से लेकर 45 साल के व्यक्ति तक कोई भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज कर सकता है। यह है इस पॉलिसी का एज क्राइटेरिया। एक बार यह पॉलिसी परचेज करने के बाद यह अगले 25 साल तक के लिए वैलिड रहेगी और कस्टमर को भी इसका प्रीमियम सिर्फ 20 साल तक ही पे करने की जरूरत है। पॉलिसी के आखिरी 5 साल व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई प्रीमियम पे नहीं करना। LIC की बाकी पॉलिसीज के कंपैरिजन में इसका मिनिमम सम इंश्योर्ड बहुत कम है, जो कि है 1 लाख रुपए। यानी कि यह पॉलिसी लेने के लिए व्यक्ति को कम से कम 1 लाख रुपए का बीमा करवाना पड़ेगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इस प्लान को समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 35 साल है और वो LIC मनी बैक प्लान में 5 लाख का सम इंश्योर्ड करवाता है। प्लान के अकॉर्डिंग पॉलिसी टर्म 25 साल का रहेगा और प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल का। पहले साल का प्रीमियम व्यक्ति को 30,794 रुपीस पे करना होगा और दूसरे साल से हर साल उसे 30,131 रुपीस पे करने पड़ेंगे। अब 35 साल की उम्र में अगर ये व्यक्ति इसका प्रीमियम पे करना शुरू करे तो अगले 25 साल यानी कि 60 साल की उम्र में जाकर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है। चलिए अब देखते हैं इस पॉलिसी के खास फीचर मनी बैक की तरफ और जानते हैं कि ये कब कब आपको मनी बैक प्रोवाइड करेगी। ये पॉलिसी आपको आपके सम मैच्योर्ड का 15% हर 5 साल में मनी बैक के रूप में देगी। यानी कि पॉलिसी के 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल और 20वें साल में आपको 5 लाख का 15% जो है 75,000 रुपीस मिला करेगा। 75,000 रुपीस का अमाउंट आपको 4 बार मिलता है। अब 20वें साल का मनी बैक अमाउंट लेने के बाद व्यक्ति को इस पॉलिसी में कोई प्रीमियम नहीं भरना और 25वें साल में पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर आपको मिलता है 8,62,500 रुपीस का अमाउंट। पॉलिसी चलने के दौरान 75,000 का अमाउंट 4 बार जो बनता है 3 लाख रुपए और फिर मैच्योरिटी का 8,62,500 रुपीस का अमाउंट व्यक्ति को टोटल 11,62,500 रुपीस का रिटर्न देती है। टोटल प्रीमियम की बात करें जो व्यक्ति ने LIC को पे करा है वो है 6,03,283 रुपीस। चलिए अब जानते हैं अगर मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ उसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। डेथ बेनिफिट्स के रूप में यहाँ पॉलिसी होल्डर की फैमिली या नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125% प्लस बोनस अमाउंट मिलता है। यानी कि 5 लाख का 125% बनता है 6,25,000 रुपए प्लस उसके प्रीमियम पे करे हुए सालों का बोनस अमाउंट। ये अमाउंट एज अ डेथ बेनिफिट के रूप में रिलीज कर दिया जाता है। नॉमिनी चाहे तो इस अमाउंट को एक ही बारी में पूरा विड्रॉ कर सकता है या फिर वो चाहे तो इसे 5, 10, 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकता है, जहां LIC उन्हें इस पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। कुछ और बेनिफिट जो LIC मनी बैक में आपको देखने को मिलते हैं वो हैं, व्यक्ति 2 साल बाद इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकता है और 2 साल बाद ही चाहे तो इसे सरेंडर भी कर सकता है। साथ ही साथ वो इसमें टैक्स डिडक्शंस क्लेम करने के लिए भी एलिजिबल है। इसके अलावा कस्टमर्स के लिए ऑप्शनल राइडर्स जो LIC मनी बैक में अवेलेबल हैं वो हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और LIC मनी बैक प्लान से रिलेटेड आपके और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिए। पॉलिसी X, आपका ट्रस्टेड इंश्योरेंस एडवाइजर।